ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्कल. सर्कल के बारे में बात करनी है. कट ऑफ द लाइन, लाइन के बारे में बात करनी है. ठीक है, दो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, और दूसरा हमारे पास गिवन है एक लाइन. लाइन हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू. ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में बात करनी है आपको. सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं. फिगर बनाने के लिए आप एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे. एक्स वाई. ठीक है, इस सर्कल का अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर, है ना. लास्ट क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि H और K यहाँ पर क्या हैं? जीरो हैं. ठीक है, तो आप सेंटर से इस सर्कल को बना देंगे. ये आपने सर्कल बनाया. ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है? जीरो जीरो. ये आपको कैसे पता चला? आपने इसको कंपैरिजन कराया होगा. किससे आपने इसको कंपैरिजन कराया होगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू किससे? आर स्क्वायर से. आपके पास जो गिवन सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. एच और के यहाँ पर दोनों ही क्या हैं? जीरो हैं. एच के यहाँ पर क्या है? जीरो, जीरो जीरो. और अगर रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस यहाँ पर कितनी है? ए. कंपेरिजन कराने पर रेडियस कितनी है? ए है. ठीक है, तो आपको रेडियस पता चल गई है. यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए. तो ये पॉइंट हमारे पास ए जीरो होगा और ये पॉइंट हमारे पास जीरो ए होगा. ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है. कितनी? ए ए. तो ये पॉइंट ए जीरो और ये पॉइंट कितना? जीरो ए. ठीक है, ये समझ आया आपको? ये आपने सर्कल बनाकर तैयार कर लिया. दूसरा, आपको एक लाइन बनानी है एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू वाली लाइन. ये सपोज दैट ए है, तो ए अपॉन रूट टू इससे पहले ही रहा होगा कहीं पर. तो सपोज दैट ए अपॉन रूट टू यहाँ रहा होगा. ये एक्स इक्वल्स टू कितना? ए अपॉन रूट टू ये वाला पॉइंट रहा होगा. और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? जीरो. ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ए अपॉन रूट टू इससे पहले आएगा? तो आप रूट टू की वैल्यू से ए को डिवाइड करेंगे तो ए से छोटा ही नंबर आएगा, तो इसीलिए हमने ए अपॉन रूट टू को इससे पहले बनाया है. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए अपाई रूट टू वाली लाइन कहाँ आएगी? ये कौन सी वाली लाइन खींच दी आपने? ये लाइन आपने बना दी एक्स इक्वल्स टू ए बाय रूट टू. ठीक है, लाइन बन गई आपके पास, सर्कल बन गया. ठीक है, ओके. इसमें से जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया निकालना है. तो इसमें से स्मॉलर पार्ट हमारा कौन सा है? स्मॉलर पार्ट हमारा ये है. ये पार्ट हमारा कैसा है? स्मॉलर पार्ट. ठीक है, ये पार्ट कैसा है? स्मॉलर पार्ट है. ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है. इस एरिया के लिए हम कुछ नाम रख देते हैं इसका. ये ओ है, ए बी सी डी. ठीक है, कुछ ऐसा नाम रख दिया इसका. तो आपको एरिया कितने पार्ट का चाहिए? सी डी बी सी. कितने पार्ट का आपको एरिया चाहिए? एरिया सी बी डी सी. ठीक है, ये इतने पार्ट का एरिया निकालने के लिए अगर हम केवल इतना एरिया निकाल लें, सी ए बी, केवल इतना एरिया निकाल लें हम, एरिया सी ए बी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा दें? टू से मल्टीप्लाई करा दें. ठीक है, सी ए बी इतने पार्ट का एरिया निकाल लें अगर हम, सी ए बी इतने पार्ट का एरिया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे हम? टू से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट एरिया निकल जाएगा. ठीक है, ओके, निकाल लेते हैं. टू इंटू सी ए बी का एरिया, सी ए बी. ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? आप एक स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेंगे ये. ठीक है, जिसमें ये y है और ये dx है, y एंड dx. तो एरिया कैसे निकलेगा इस रेक्टेंगल का? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ
इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये अभी इतने पार्ट का एरिया है, हमें यहाँ कंप्लीट एरिया चाहिए। कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और उस इंटीग्रेशन में जो एरिया चाहिए हमें वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ए से बी तक। तो लिमिट ए पर एक्स की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट टू, और बी पर कितना है ए, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है ए बाय रूट टू। कौन सी वाली लाइन थी ये, ए बाय रूट टू वाली लाइन थी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ ए बाय रूट टू है और बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो लिमिट ए बाय रूट टू से ए तक, ए बाय रूट टू से ए तक, ये आपके पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका एरिया यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, तो आप ए से बी तक, ए बाय रूट टू से ए तक ये लिमिट लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट, टू इंटू इंटीग्रेशन ए बाय रूट टू से ए वाई, वाई की वैल्यू आप कौन सी वाली लेंगे, तो वाई आप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि आपके पास जब आप इस स्ट्रिप को घुमाते हैं तो कौन काम कर रहा है यहाँ पर, सर्कल काम कर रहा है, तो सर्कल से आप वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ गया होगा, अंडर रूट आ गया होगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, और साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, टू इंटू, ठीक है, टू इंटू करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है इसका, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर लिमिट क्या चल रही है, a बाय रूट टू से a तक, ये आपके पास इसकी लिमिट चल रही है। लिमिट पुट करते हैं, जब आप यहाँ a रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मिलकर पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। जब यहाँ आप यहाँ a रखेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए कितना, वन माइनस ए बाय रूट टू रखते हैं, x की जगह हम रखेंगे a बाय रूट टू अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाय रूट टू स्क्वायर, ठीक है। ए बाय रूट टू आपने यहाँ भी रख दिया और यहाँ भी रख दिया, ठीक है, प्लस ए बाय रूट टू यहाँ रखते हैं, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय रूट टू अपॉन ए, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। आगे सॉल्व कर लेते हैं, टू ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वन को हम क्या कहते हैं, पाई बाय टू, ठीक है। साइन इनवर्स वन 90 डिग्री पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाई बाय टू, माइनस इसको सॉल्व करेंगे ए अपॉन टू रूट टू आएगा, इसको आप ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे ए स्क्वायर अपॉन टू, तो आपके पास ये अंडर रूट में ही क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन टू, प्लस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन रूट टू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू कब होता है, साइन में पाई बाय फोर पर होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पाई बाय फोर, ठीक है। टू ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर पाई टू टू जा फोर, माइनस ए स्क्वायर का ए बाहर आकर इसको ए स्क्वायर बना देगा, ये रूट टू और ये रूट टू मिलकर टू 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 जाए, ये कितना हो जाएगा फोर, माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन एट, ठीक है, ऐसा चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक ए स्क्वायर पाई अपॉन फोर, ए स्क्वायर पाई अपॉन एट, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, टू बाहर चल ही रहा है हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एट, फोर टू जा टू ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पाई, और माइनस में क्या चल रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है। फिर से इन दोनों का आपने एलसीएम लिया है, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर पाई अपॉन एट, और साथ में क्या चल रहा है,
माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर फोर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा पाई, यहाँ से फोर कॉमन गया तो यहाँ पर टू माइनस वन। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, इस टू से ये टू कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू पाई बाई टू माइनस वन, इतना स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया आपने, आपको एक सर्कल गिवन था जिसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो है, तो आपने सर्कल बनाया, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, आपने ए रेडियस बनाई और एक एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू वाली आपने एक ये लाइन खींची, यहाँ पर एक्स कितना है, ए अपॉन रूट टू। ठीक है, अब स्मॉलर वाला पार्ट जो था, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना था, तो आपने इस पार्ट का एरिया निकाल कर उसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, टू से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके कंप्लीट पार्ट का इसका एरिया निकल गया है। ठीक है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू पाई बाई टू माइनस वन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू फोर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपको एक कर्व गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये क्या हुआ करता है आपके पास, पैराबोला। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, पैराबोला गिवन है और आपको एक लाइन गिवन है, लाइन एक्स इक्वल्स टू फोर, ठीक है, इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो पहले तो इनको बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या करना है। कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर की इक्वेशन है तो पैराबोला कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। अब क्योंकि पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, वाई स्क्वायर की इक्वेशन पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनेगा, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव एक्सिस पे बनता, पॉजिटिव है तो कहाँ बना रहा हूँ मैं, पॉजिटिव एक्सिस पर। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक पैराबोला बनाकर तैयार कर लेंगे आप, ओके। और दूसरा आपको क्या बनाना है, एक्स इक्वल्स टू फोर, एक्स इक्वल्स टू फोर आप बना लेंगे एक लाइन, ये लाइन आपके पास क्या है, एक्स इक्वल्स टू फोर वाली लाइन है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू फोर वाली लाइन बना ली, अगर ये एक्स इक्वल्स टू फोर है तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, फोर जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका आप नाम रख देंगे ओ ए बी सी। ठीक है, इस तरह से आपने इसका नाम रख दिया। द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये यानी ये कर्व, ठीक है, ये पैराबोला एंड एक्स इक्वल्स टू फोर, ये जो एरिया है, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो पहले तो हम इस एरिया को निकाल लेते हैं कि ये कंप्लीट एरिया कितना है हमारे पास। इस कंप्लीट एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और फिर उसको टू से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कौन सा एरिया निकाल लेते हैं हम, ओ बी ए ओ, ओ बी ए ओ, ठीक है, ये एरिया निकाल लेते हैं और इसका हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ एक स्ट्रिप कंसीडर अगर आप करेंगे तो एरिया क्या आएगा, वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप कोई एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे यहाँ पर, कोई एक रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, ये क्या रहा होगा डी एक्स और ये क्या होगा वाई होगा, तो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ देख लेंगे, और एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये जो डी एक्स है वो आपको कहाँ से चाहिए, जीरो जीरो से लेकर कहाँ तक चाहिए, फोर तक चाहिए, जीरो से कहाँ तक, फोर तक चाहिए। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको, तो आप इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और लास्ट में इसको टू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कम्प्लीट एरिया आपका निकल जाएगा। ये रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, जीरो से फोर तक, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू फोर तक मूव कराना है,
तो ये आपके पास लिमिट आ जाएंगी। ओके, वाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। वाई हमारे पास क्या है, वाई यहाँ से निकलेगा, ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन हमने यहाँ पर क्यों रखी है y इक्वल्स टू, क्योंकि जब आप इस रेक्टेंगल को यहाँ मूव कराएंगे तो ये किस पर मूव करेगा, पैराबोला पर मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने किसकी इक्वेशन रखी है, पैराबोला की इक्वेशन रखी है। इसको सॉल्व करते हैं, x पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे 4 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2। ठीक है, ये 2/3 बाहर लिख लिया, 4 और इसके बाद 0, 2/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 पावर 1/2 होता है 2, और 2 का फिर क्यूब करेंगे आप, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास 16/3 इतना स्क्वायर यूनिट ये एरिया आपका निकल जाएगा। कितना एरिया अभी तक आपने निकाला है, ओ बी ए, ये एरिया निकाला है। अगर आप कंप्लीट एरिया निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, आप एरिया कौन सा निकाल रहे हैं, आप ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, किसके एरिया से, ओ बी ए ओ। ठीक है, इस कंप्लीट एरिया को निकालने के लिए ओ ए बी ओ, इस एरिया से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका एरिया निकल जाएगा। कितने पार्ट का एरिया निकल गया, इस कंप्लीट पैराबोला का, और x इक्वल टू 4 से जो एरिया बाउंड हो रहा था, ये कंप्लीट एरिया आपने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दिस एरिया इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक लाइन खींच लेंगे, ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, ये है x इक्वल टू a। ये लाइन कौन सी लाइन बनाई है, x इक्वल टू a, यहाँ पर x की वैल्यू a है, तो ये पॉइंट क्या होगा, a0। ये लाइन जब हम खींचते हैं तो ये कंप्लीट एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ओ ए सी ओ को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर कुछ नाम रख देते हैं, सपोज दैट डी और दिस इज ई। ये कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया इस कंप्लीट एरिया का क्या होगा, ट्वाइस के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये लाइन खींचते हैं तो ये एरिया और ये एरिया कैसा है, आपस में इक्वल है, तो हम इस कंप्लीट एरिया को, इस एरिया का क्या कह सकते हैं, ट्वाइस कह सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एरिया कौन सा एरिया, ओ डी एफ ओ, ओ एरिया ओ डी एफ ओ। ठीक है, ये एरिया आप निकाल चुके हैं, ये आपके पास आया था 32/3 2 इंटू एरिया ओ डी एफ ओ, ओ डी एफ ओ, ये एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप इतने पार्ट का एरिया निकाल लीजिए केवल, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर से ओ डी एफ ओ, इतने पार्ट का एरिया निकालना है तो हम कितने पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, केवल ओ डी ई, इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कंप्लीट निकल जाएगा। तो एरिया ओ डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एरिया, क्या नाम है, ओ डी ई ओ, ओ डी ई ओ, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 32/3 2 इंटू ट्वाइस ऑफ, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इसका एरिया भी ऐसे निकालेंगे, x इंटू डी एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और जब ये स्ट्रिप आप यहाँ लेकर आएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो
तो ये एरिया में एक्स की लिमिट यहाँ पर कितनी है, जीरो। कहाँ तक चाहिए आपको, ए तक, इतना एरिया निकालने के लिए। एक्स की लिमिट यहाँ जीरो है और यहाँ ए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, जीरो से ए तक होंगी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 32/3 इक्वल्स टू 2 × 2 × 0 टू ए वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, रूट एक्स। यहाँ भी आप देखिए, जब आप ये एरिया निकालेंगे तो ये पैराबोला ही काम करेगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी यहाँ से ही निकलेगी। कितना आएगा, रूट एक्स आएगा, रूट एक्स डी एक्स। 32/3 ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये x पावर 3/2/3/2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से a तक लिमिट चल रही है आपके पास। ठीक है, x की पावर 3/2/3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 8 जा, तो ये आपके पास 8/3 आ जाएगा। इधर आपके पास क्या चल रहा है, 2/3। लिमिट पुट करेंगे, a पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और साथ में इधर क्या चल रहा है, a पावर 3/2। यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे तो 4 पर पावर आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये जब 3/2 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/3, इतना यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4 पावर 2/3। ठीक है, समझते हैं कैसे किया। हमारे पास एक पैराबोला है, एक लाइन है x = 4, इससे जो एरिया बाउंड होता है, ठीक है, उसमें अगर हम x = a वाली लाइन खींच देते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस कंप्लीट एरिया को मींस हम इसका क्या कह सकते हैं, अब डबल कह सकते हैं। ये क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने इस कंप्लीट एरिया को निकाला, वो आया हमारे पास 32/3। इसके बाद हमें ये एरिया का, इसको ट्वाइस कहना था, तो ये एरिया निकालने के लिए हमने इसमें इतना पार्ट निकाला, ठीक है, और उसका हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ये 2 कौन सा वाला है, ये 2 हमने क्या लिखा था, ये कंप्लीट एरिया इतने एरिया का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, फिर ये वाला 2 कहाँ से आया, तो हमने ये क्या लिखा है, इतना एरिया निकालने के लिए इसका हमने इसको क्या लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की वाई की, इसको सॉल्व किया और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की पावर 2/3। ठीक है,